जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने से पहले बड़ा तनासा हो गया है। एलजी की तरफ से 5 एमएलए के नॉमिनेशन का मामला, जिसमें 5 एमएलए के नॉमिनेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर समाप्त से इनकार कर दिया। कांग्रेस नेता रविंद्र कुमार शर्मा की अर्जी खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। वाजह रहे की जम्मू कश्मीर रिओर्गनाइजेशन एक्ट के तहत दिए गए अख्तियार जम्मू कश्मीर में एक तरफ नई सरकार बनाने का अमल जारी है, तो वही दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर असेंबली में एलजी की तरफ से 5 एमएलए के नॉमिनेशन ने तूल पकड़ लिया है। और इस बारे में आज कांग्रेस लीडर रविंद्र कुमार शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी की वकालत में एक अर्जी दाखिल की थी, जिसमें एलजी की तरफ से 5 एमएलए के नॉमिनेशन को रद्द करने की मांग की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि हम इस पर समाप्त के लिए राजी नहीं है। इस मामले को लेकर आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर रिओर्गनाइजेशन एक्ट के तहत एलजी को यह अख्तियार दिया गया है कि वो बेघर कश्मीरियों और पीओके के लोगों के नुमाइंदगी के लिए असेंबली में एमएलए नॉमिनेट कर सकते हैं। इस मामले पर तनाजा बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस समेत दीगर पार्टियां भी इस फैसले की सख्त मुखालिफत कर रही हैं।